जय हिंद। आई एम एजय सुनील डागर। अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज का जो एनडीए एग्जाम हुआ है उसकी गैट का जो आंसर की है उसको भी डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज डी को, राइट। तो अभी रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम विद से सडन थिंग्स जिसका अभी कोई मतलब निकलता नहीं है, हम सीधा आते हैं मुद्दे पर, एंड दैट इज फाइंडिंग द आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा आते हैं आंसर पे। फर्स्ट का आंसर इज डी, राइट। सेकंड का आंसर इज सी, वी सो द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन दिस सिटी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज ए। Since you have been touring all day, you must be tired. His condition is serious, but it could be worse. Worse bhi ho sakti thi. So answer is C. Fifth ka answer is B. I hope the bus comes soon because we have been waiting for half an hour. Main sirf usi question pe thoda time zyada lagaunga jis pe mereko lagega ki you need certain explanation because kuch ek ya do option mein doubt ho sakta hai. Otherwise jahan pe koi doubt nahi hai, I'm just going to give you the answers so that you can check against your answers और फिर आप अपना स्कोर जो है निकाल पाए। So now next is question number 6. Someone has spilled juice on the sofa. Sixth का answer is definitely A. So answer is A. Seventh answer is again A. Eighth answer is B. इनमें कुछ भी explain करने को नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन थी वो पेपर से पहले करनी थी। अभी वी शुड जस्ट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ताकि आप अपना स्कोर निकाल सके, राइट। नेक्स्ट, आई विश आई कुड हेल्प यू, एब्सोल्युटली राइट, ए इज द आंसर। 10th, द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव नॉट बीन क्वाइट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मींस नॉट सेटिस्फैक्ट्री, राइट। सो नॉट अप टू द मार्क मींस नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अप टू द मार्क मींस सेटिस्फैक्ट्री, राइट। अब चलते हैं 11th पे। आई रिएट्रेट, अभी जो मैं आंसर्स बता रहा हूं वो सीरीज नंबर डी के हिसाब से बता रहा हूं, बट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपकी सीरीज कुछ और है तो आप उसमें अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। अ व्हाइट लाइट, सफेद झूठ, अ लाइट दैट इज एब्सोल्युटली एंड यूनिवर्सली ट्रू, सी इज राइट आंसर। बैड ब्लड, फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल, ये सब इडियम्स चल रही है। बैड ब्लड मतलब जिनमें रिश्ते ठीक ना हो, दे हैव बैड ब्लड बिटवीन देम। तो आंसर इज ए। 13th, काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स मींस हमारे जीवन में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे एक्सपीरियंस है रिकॉर्ड, और उन अच्छे एक्सपीरियंस को हमें याद रखना चाहिए, एंड वी शुड हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उसमें आपका आंसर बनता है सी, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। We must always have a sense of gratitude. Thankful होना चाहिए हमें अच्छी चीजों के लिए। So count your blessings. ये answer जिस भी बच्चे ने दिया D, that's wrong. Have the last laugh. Last laugh means आखिर में जीत किसकी हुई? Suppose कोई एक इंसान है, organization है, कोई भी एक entity है जो struggle कर रही है, and people are thinking कि नहीं भैया अब ये जीत नहीं पाएगा, but एंड में ये एंटिटी जीत जाती है। सो दैट एंटिटी इज सपोज टू हैव द लास्ट लाफ, राइट। सो हैविंग द लास्ट लाफ मींस, सॉरी, हैव द लास्ट लाफ मींस टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। सो आंसर इज बी, राइट। नेक्स्ट इज 15th, सिट ऑन द फेंस मींस टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। समबडी हु इज नॉट एबल टू मेक डिसीजन, वो बैठ के अभी तक सिर्फ नजारा देख रहा है, कोई डिसीजन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सो टू डिले मेकिंग अ डिसीजन और not being able to make a decision, ये होगा correct answer. अब unseen passage देखते हैं। unseen passage में 16th का answer is A. 16th का answer is A. 17th again answer is A. 18th answer is D. 19th, according to the passage, many new diseases are emerging due to change in land use because humans are coming in contact with unfamiliar
viruses. Question number 20. What is the meaning of the word epidemiology? तो epidemic के बाद काफी साल से अभी चल रही है, जब से COVID आया है तब से epidemic की बात चल रही है. तो ये hint का था, scientific study of the spread and control of disease को बोला जाता है. Right? So answer is B. Next, 21st question. किसी को question करना या warning देना, ये है synonym. तो synonyms हम कर रहे हैं अभी. We are doing all the synonyms now. तो सबसे पहला synonym आता है question. Question का answer is warned. Right? So उसके बाद है 22nd monotonous. Monotonous का answer is dull. डल और मोनोटोनस दोनों का मतलब है कि कोई चीज एक ही लय में जा रही हो, कोई उतार चढ़ाव ना हो, तो मोनोटोनस हो जाता है, डल हो जाता है. राइट, देन 23rd का आंसर इज बी. लेट मी शो यू द क्वेश्चन एट लीस्ट. 23rd क्वेश्चन इज देयर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चन. सो इल्यूसिव, इल्यूसिव मींस समथिंग दैट इज नॉट, यू आर नॉट एबल टू कैच इट, दैट इज इल्यूसिव. जो आपको बार बार धोखा दे रही है, उसी तरह बैफलिंग जो आपको सरप्राइज कर दे बार बार, या जिससे आप हिचकिचा जाओ, दैट इज बैफलिंग. तो इलूसिव का आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेटर द बेस्ट ऑप्शन इज बैफलिंग. सो 23rd आंसर इज बी. 24th हम सिनोनिम सी कर रहे हैं. सो 24th का आंसर इज ए, दैट इज ह्यूज. और इसका क्वेश्चन जो है वो था मैमथ. Mammoth is again very big. So mammoth का synonym is huge. Then tarnished means दाग लगना, धब्बा लगना. उसका answer is tainted. So tarnished answer is tainted, not enhanced. ये जिस भी बच्चे ने किया, ये गलत किया answer. Then 26th अब आ जाता है आपका clause. अब ये आपने I'm sure अपने test practice में काफी questions किए होंगे, काफी clause किए होंगे. At Lead Academy, students got exposure to at least 25 to 30 clause before they actually entered the main hall for examination. तो पिछले लगभग 15 महीने से वो clause की practice कर रहे हैं. So most of our food comes from agriculture, so we tend to believe that it is independent. So A answer is, I mean for 26th answer is A. 27th answer is B. 28th आंसर इज डी. यू मस्ट रिमेंबर क्लॉज को क्रैक करने का एक ही तरीका है, आप सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, उसी के बाद आंसर कीजिए. अगर आप सीधे फिल इन द ब्लैंक करने लग जाएंगे, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. सो 29th का आंसर इज गिवन नाइसली हियर, द आंसर इज ए. 30th आंसर इज बी, टॉलरेंस एंड नॉट एडेप्टेबल. 31st A, 31st A answer is A, that is and. 32 का answer is D. 32 का answer is generations, that is correct answer. 33 answer is C. 33 का answer is C. 34th का again answer is C. 35 का answer is B. That is irrigated. It was a simple option, very very simple option. उसके बाद आता है 36th opposite. यहाँ आपने opposite बताना है, यानी के antonyms. और इसकी भी एक ट्रिक थी कि आप पहले क्वेश्चन पेपर पे जाके हिंदी में उल्टा लिख दीजिए, ताकि आप गलती से synonym ना टिक कर दें. Right? 36th fallible. Fallible means something that is not perfect. जो mistake जिससे हो सके, या जो mistake कर दे, that is called fallible. और उसका ऑपोजिट वुड बी परफेक्ट, दैट इज डी. 37th वेग मींस समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, एम्बिगुअस. तो जिसमें क्लैरिटी ना हो, दैट इज वेग. और उसका ऑपोजिट वुड बी सी, दैट इज प्रिसाइज. 38th क्वेश्चन इज कॉन्साइंसियसली. तो इसका ऑपोजिट है केयरलेसली. Option B is the correct answer. 39th incidental is something that happens, though it was not intended, but it just happens. तो कोई एक बड़ा काम कर रहे, उसमें कुछ
बाय प्रोडक्ट आ जाए या कोई चीज जस्ट बाय चांस हो जाए दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल, लेकिन जो चीज आप पक्का करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड एसेंशियल। तो इंसिडेंटल का ऑपोजिट वुड बी एसेंशियल। 39th, यस ए। 40th, डिसडेनफुल। आंसर इज अगेन इररेवरेंशियल। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 40। Let's move to 41. Now PQRS wale question, you have to rearrange the parts of the sentence and these were pretty simple. Luckily for you guys, aapke baar S1, S2, S3, S4, S5, S6 wale questions nahi aaye aapke paper mein. Bada easy paper banaya, PQRS wale option diye gaye and kafi simple se questions the. Iska answer is B. Then 42 again, the answer is 42, the answer is A. 42 answer is A. 43 again answer is A. Then 44 answer is D. 44 answer is D. Then 45 again, here we have answer A. Then 46. Now what are we supposed to do here? Read the sentence carefully and find which word class the underlined word or words they belong to, right? So basically we have to find parts of the speech. Aur jab hum ye mock test series kar rahe the, students were sort of showing their discontent. They were saying कि सर ये आते तो है नहीं कभी, why are we doing this? And we had very very clearly said कि नई parts of speech कहने के पूरे chance हैं, because पिछली बार seen, पिछले दो तीन बार से CDS में आ रहा है, now they may introduce the same thing in NDA also. So parts of speech, 46th का answer is A, 47th का answer is C, address is a noun, since is a conjunction, 48th now is a preposition. 49th, that, this, that, these are determiners, determiner or determiners, right? So 49, the answer is C. And 50th, take off is definitely an action, so its answer will be a verb, and wo hai aapka option C. So take off is a verb, and the option is C, right? Now let's move to part B. Now it is, there's a mix of science and social studies and current affairs here. तो इसमें जहां पे मेरे को लगेगा कि social studies का कोई question है और जिसमें explanation की जो जरूरत है, I'll tell you. Otherwise, जो सिर्फ science के questions होंगे उन पे I'll rush through, because I don't teach science. Science is taught by different teachers, right? And I don't want to say delay the process by telling कि अभी ये teacher बताएंगे यार. X बताएंगे, Y बताएंगे. I'm going to write down the answers for you. So 51 का answer is C. This is a question from Polity. Money bill, it's always an important topic. तो money bill detail में हमेशा आपको पढ़ना चाहिए. और money bill पे based एक simple सा question की राज्यसभा कितने दिन में वापस कर देती है अपनी recommendation के साथ लोकसभा को. That is important days. 52nd का again answer is C. Article 19. It's about right to freedom. तो freedom पे obviously आप अपनी freedom के चक्कर में दूसरों की freedom के साथ नहीं खेल सकते हैं. तो उसी पे बेस्ड ये दो question हैं. बहुत ही simple question था. 52 का C. Then 53. पंचशील के बारे में पूछा गया आपकी बार. काफी outdated topic है. But still, since it was asked, answer is D. पंचशील का answer is should know. D, cultural cooperation was not part of Panchsheel. Less three were there. Then 54th, freedom fighter Barua, K. Barua, unko wo kab mare gaye the ya wo kab shaheed ho gaye the, right? उन्होंने अपनी लाइफ को कब सेक्रीफाइस किया? उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया 1942 में. और उस टाइप पे कौन से मूवमेंट थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट? देन 55th, where is the Coriolis effect the largest? तो सबसे कम इक्वेटर पे और सबसे ज्यादा पोल्स पे है. तो आंसर इज सी. 55 का आंसर इज सी. देन
56. अगर आपको 56 is about कि सन रेज डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे पड़ती हैं, अगर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन पता है किस किस स्टेट से गुजरता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो जिसको भी एटलस देखने की आदत है, क्योंकि मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ कि भैया राइट फ्रॉम डे वन, जिस दिन से आप अपनी एनडीए की तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन से मेक इट अ पॉइंट कि आप एनडीए को आप एटलस को जरूर डेली देखें 10 से 15 मिनट, आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक एनडीए के पेपर में ठीक हो जाएंगे। सो यहाँ पे आंसर वाज 56, सॉरी द आंसर इज बी, आई एम सो सॉरी, 56 आंसर इज बी, दैट इज 1 and 3 बिहार और मणिपुर पर डायरेक्ट फेस नहीं पड़ती है, राइट। उसके बाद 57 रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज पे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब की बार भी पूछे गए, देयर वाज नो एक्सेप्शन दिस टाइम। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी पलर और पेनर, दीज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सो आंसर इज बी, दिस इज नॉट द आंसर, राइट। सो देन 58 ट्रिब्यूटरीज के बारे में है कि ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो ठीक है, so the answer is B, the answer is B, 2 and 3 कावेरी एंड कावेरी एंड मंजरा एंड गोदावरी, ये करेक्ट है, बाकी सब गलत है, राइट। भवानी इट्स अगेन पार्ट ऑफ इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, राइट। देन 59 द करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज, I hope my mic is working. Yes, it's working. A, right? So 59 answer is A. Then 60th. Consider the following statements regarding river Brahmaputra. River Brahmaputra, जो है वो मानसरोवर लेक से निकलती है, इसका नाम चाइना में सैंगपो है, और इंडिया में जब एंटर करती है तो ये यू टर्न लेके एंटर करती है नमचा बारवा के पास से अरुणाचल प्रदेश में। And this is a very common fact. It should be known to all of you. अगर आपने रिवर्स के बारे में इंडिया में पढ़ा है तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो द आंसर इज सी, राइट। 61 नॉट मी बट यू, ये किसका मोटो है, नॉट मी बट यू, ये है एनएसएस ए आंसर, एनएसएस, राइट। तो सॉरी बी, 61 द आंसर इज बी, आई एम सो सॉरी, 61 द आंसर इज बी, एनएसएस इज द करेक्ट आंसर, Not me, but you. अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि एनसीसी के क्या मोटो है, क्या नेशनल सर्विस टीम का मोटो है, क्या आर्मी का मोटो है, क्या एयरफोर्स का मोटो है, क्या नेवी का मोटो है, दीज आर बट ऑब्वियस क्वेश्चन। सो 61 का आंसर इज बी। देन 62 फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज, फिट इंडिया प्रोग्राम मोदी जी के, इस पर काफी भाषण जो है वो प्रसारित किए गए थे और इस कैंपेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 63 द आंसर इज बी, 63 आंसर इज बी, यूनेस्को बेस्ड क्वेश्चन। देन एशियान, एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023, देखिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यूएनओ, ब्रिक्स, एशियान, सार्क, इन पे क्वेश्चंस इनवेरिएबली पूछा जाता है। सो 64 का आंसर इज डी, एशियन की जो मिलेट फेस्टिवल 2023 हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, राइट। 65 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल और आपका ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, विकास भारत संकल्प से रिलेटेड। 65th का आंसर इज बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रेस्ट आर नॉट करेक्ट, सो टू ऑप्शंस आर करेक्ट। 60C अबाउट ULLAS स्कीम, अगेन द आंसर इज बी, 66 का आंसर इज बी। देन 67 नेटो, ओके ये
स्टूडेंट ने थोड़ा सा शायद जल्दी में आंसर कर दिया, ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है नेटो के बारे में, रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, रशिया इज डेफिनेटली नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, सारा युद्ध रशिया यूक्रेन का इसी बात पे है, तो ये तो जो है यस इट इज अ राइट स्टेटमेंट बट दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि पूछा गया नॉट करेक्ट, तो फिनलैंड इज इट्स लेटेस्ट मेंबर, दिस इज द आंसर बिकॉज फिनलैंड इज नॉट द लेटेस्ट मेंबर इज स्वीडन, 2024 मार्च में स्वीडन ने ज्वाइन किया है, फिनलैंड ने तो 2023 में ज्वाइन किया, 68 द आंसर इज डी, 68 अगेन द आंसर इज डी, राइट। मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आया है, मिलिट्री एक्सरसाइज पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बार बड़ा सिंपल पूछा गया था इंडिया और यूएस की कितनी एक्सरसाइज है, तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, क्वाड, मालाबार, ये सब एक्सरसाइज हम यूएसए के साथ करते हैं, वर्म है वो किसके साथ करते हैं हम, फ्रांस के साथ, ये एक्सरसाइज हमारी फ्रांस के साथ होती है, नॉट विद यूएसए, सो 69 का आंसर इज डी, 70 का आंसर इज ए, 70th का आंसर इज ए, ओके, देन 71st द आंसर इज, 71st द आंसर इज ए, 72 का आंसर इज डी, माय गॉड दिस पेन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो बार बार हाईलाइट करना, ऊपर नीचे करना, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, सो 72 का आंसर इज डी, 73, ओके 73 द आंसर इज ए, 73 आंसर इज ए, 74 277 K आंसर इज बी, 75 वैलेंसी ऑफ थ्री 75 का आंसर इज, 75 का आंसर इज सी, 76 का आंसर इज अगेन सी, रस्टिंग ऑफ आयरन, 77 का आंसर इज यूरिया, 77 का आंसर इज डी यूरिया, राइट, तो 77 का आंसर इज डी यूरिया, 79 का आंसर इज सी, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ डायमंड, 79 का आंसर इज सी, 80th का आंसर इज डी, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, दिस वाज एक्सपेक्टेड, 81 का आंसर इज करेक्ट, दैट इज सी, 21 का आंसर इज सी, 82 का आंसर इज डी, 83. Now this is one question where we feel none of the options is correct. All these options seem wrong. The answer is totally different from what is given in the options. So 83, we firmly believe aapko waste marks isme milne chahiye. So 83, none of the options give out the correct answer. So 84th ka answer is, 84th ka answer is C, 84th ka answer is C, 85th ka answer is again C, 84th ka answer is C, 85th ka bhi answer aapka C hi hai, right, iske baad hai 86th, 86th Vijayanagar rulers claimed that they were ruling on behalf of Virupaksha, 86th ka answer is C, Domingo Pais, he visited the court of Krishnadeva Rai, to agar aapko itna pata hai to iska answer aapko mil jata hai, ye baat ki sirf ek kahani, 87th ka answer is A, 88
88 एंटी डिफेक्शन लॉ इट्स अबाउट 10th schedule इज बी आंसर इज बी फॉर 88 89 द आंसर इज सी अटॉर्नी जनरल की बात और सॉलिसिटर जनरल की बात की गई है और द आंसर इज सी 90th का आंसर इज 90th Which of the following committees does not consist of members from Rajya Sabha? Upper House is Rajya Sabha. So Rajya Sabha में कौन से इनमें से कौन सा है जिसमें Rajya Sabha के member नहीं है? So that is Estimates Committee. So two only. That is C. Estimates Committee में सिर्फ Lok Sabha के members होते हैं. Right? Then 91. The answer is 92 का आंसर इज बी. लेट मी रीआइट हम सीरीज डी के थ्रू ये सारे आंसर्स चेक कर रहे हैं. सो 93 का आंसर इज सी. 94 C Rajgopalachari. 94th answer is B. C Rajgopalachari. He was the first Indian Governor General. Independence ke baad he was the Governor General aur unke baad koi aur bana hi nahi. So C Rajgopalachari is the correct answer. So 95 ke answer is 95 answer is C. 95. I'm so sorry. Delaying things. 95 the answer is both 1 and 2 statements are correct regarding the planning commission of 1950s. Right? So answer is C. Planning commission से अक्सर question पूछे जाते हैं इसलिए 5-year plans को हमने दो दो तीन तीन बार class में revise किया था and students were very comfortable कि sir इसको तो हम अटेम्प्ट कर ही लेंगे एंड मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स. 96 का आंसर इज बी अगेन बेस्ड ऑन 5-year प्लान एंड स्ट्रेट अवे फ्रॉम द फैक्ट्स. जो इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आया. और 97 में देखिए 5-year प्लान का क्वेश्चन और सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर इज डी. सो 97 इज डन. नाउ वी कम टू 98 is C about fallow land, right? Then 99 the answer is B about Andaman and Nicobar. Andaman aur Nicobar ke bare mein kaun si statement theek nahi hai? That is maximum rainfall occurs between March and April. That's wrong because इसकी मार्च और अप्रैल में बारिश नहीं होती है. मई जून के से लेकर सितंबर तक इसमें बारिश ज्यादा होती है. राइट. देन 100 द आंसर इज ए. 100 द आंसर इज ए. देन 101 द आंसर इज कैस्पियन सी नॉट मेडिटेरेनियन सी. 101 द आंसर इज Caspian Sea, that is D and not A. Okay, then 102 answer is A. Then 103 the answer is B. Arid landforms, desert ki baat hoti hai. Then 104 is correct here, that is rickets. So 104 is rickets, that is C, and 105 is A, carbohydrate, vitamins, proteins, fat, minerals, fibers, and water. So, answer is A. Then we move to question number 106. 106, the answer is C. 106, the answer is C. Then 107. The answer is Bowman's capsule. Answer is
answer is D. Now, we come to 108. The answer is C. Then 109. 109, the answer is B. 110, the answer is A. 111. 111, the answer is B. 112, the answer is C. All these are bio questions. Which of the following two cells organelles have their own genetic material? Answer is C. So 112, answer is C, I've already told you. 113, the answer is B. That is ligaments. 113, the answer is B. That is ligaments. 114, the answer is ATP. That is B. Then 115, the answer is A, potato. The answer is A, potato. 116, the answer is C, diffusion. Answer is C, diffusion. Then 117. 117. The answer is C, centrifugation. 118, the answer is B, that is sulfur. 119, the answer is A, that is nitride. Then 120, the answer is B. The answer is B. 14, the answer is B. 121, the answer is again B. For series D, question number 121, the answer is B. Sorry, थोड़ा blurry paper है, because this is how it was sent by one of our students. So 122, answer is D. 123, the answer is C. 124, the answer is C. 125, the answer is B. The answer is B. 126, the answer is D. 127, the answer is C. 128, lightning is due to. So A. 128, the answer is A. The flow of charges between different parts of the cloud. 129, the answer is D. The answer is D. Then 130, the answer is A. The answer is A. 131, the answer is A. 131, again the answer is A. 132, the answer is B. 133, the answer is D. 134, which of the following statements best defines the concept of heat? So 134, the answer is C. The answer is C. 135, the answer is again C. 136,
The answer is D. 137. The answer is A. 137. The answer is A. 138. The answer is C. 139. The answer is C. The first cotton mill in British India, which began production in 1856, was set up by C.N. Dower. Yes, the answer is D. And 141, answer is D. The question was about linguistic reorganization of these states. The answer is D. Then 142. C. Rajgopalachari led a salt march from where to where? He led it from Trichinopoly to Vedarnyam. So the answer is C. Then 143. The answer is D. The answer is D. 144. The answer is again D, about maize. Maize was introduced into India via Portugal and Italy. Then 145. 145 passes static GK MSA question. Pretty simple question. So 145, the answer is C. Zozila Paz Banihal Paz Fotula. In fact, I feel Fotula is spelling galat di gayi hai paper mein, and then Fardumla. So 145 answer is C. 146 of series D. Sorry, the question is slightly blurred here. The answer is D. Then 147, the answer is A. 148. About tropical cyclone and country, again from static GK. अगर आपने अरिहंत भी की होती, अरिहंत के जो current affairs की एक छोटी सी बुक आती है उसमें भी किया होता, तो ये पिछले तीन चार questions straight away वहाँ से सीधे डेटा में से या pathfinder में भी आपको मिल जाएंगे. So A, right? और जिन्होंने हमारी क्लास ली है और क्लास नोट्स को फॉलो किया, ये तो आपके 100% क्लियर है, राइट? देन 149, द आंसर इज सी. 149, द आंसर इज सी. एंड लास्ट वन, दैट इज 150th, अगेन द आंसर इज सी. द आंसर इज सी. सो लास्ट question of series D has answer C. So these are the answers for series D. जिन बच्चों के different series हैं, A, B, C हैं, वो यहाँ से question उठा के अपनी series में answer overlap कर सकते हैं और देख सकते हैं. हालांकि इसकी जो detailed A, B, C, D सभी चारों series की जो answer की है, वो हम कल तक आपके YouTube और Instagram पे upload कर देंगे, and you can have a look, right? So I hope अभी आपको आपके answers मिल गए हैं, आप अपने marks study कर सकते हैं, and then you can take a call कि आप SSB के लिए prepare अभी शुरू कर सकते हैं या नहीं. लेकिन इसके साथ I would like to tell you कि अगर अभी we are going to do the analysis की cut off क्या होने वाला है, based on that only we'll be able to suggest कि आपको अभी तैयारी करनी चाहिए या अभी आपको और समय लगेगा, right? तो analysis के लिए you wait further. Till then, अभी आप अपना स्कोर निकालिए. हमारा एनालिसिस रिगार्डिंग कट ऑफ विल बी अनाउंस्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 48 to 72 hours. Till then, best of luck.